जी आ गया लंदन, 8 घंटे बैठ बैठ गए। ऑफिशियली यूके में इंटर हो चुके हैं, क्या कहते हैं उसको, वो जो ऑफिसर होता है उसके कोई क्वेश्चन थे 4-5, कहाँ पे रुकोगे, कितने दिन के लिए रुकोगे, कहाँ पे काम करते हो, कितने अर्से से काम करते हो। बहरहाल एयरपोर्ट की साइंस कुछ ऐसी है और तो इतना ख़ास इंप्रेसिव नहीं है, दुबई वालों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। पूरे एयरपोर्ट पे एक ये हाथी मुझे मज़े का लगा, लेकिन इसकी भी कोई तुक समझ नहीं है कि हाथी यहाँ पे कर क्या रहा है। यहाँ से बैगेज पकड़ते हैं और बाहर निकलते हैं। हाँ जी भैया, लंदन की गलियों से अस्सलाम वालेकुम। ये वो गली हैं जिनको देखने के लिए अरसा इंतज़ार किया, और साइंस कोई कम नहीं है। एक मज़े की खामोशी है, हल्की हल्की सी ठंडी हवा है और वो भी फ्रेश। अभी कल आज दूसरा दिन है, कल जब हम आए उसके बाद भाई बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, 7-8 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट पहली दफ़ा थी। फिलहाल के लिए वी इंजॉय करते हैं। नज़दीकी एक बहुत ज़बरदस्त सा VIP सा पाउंड है भाई, यहाँ पे सारी चीज़ें VIP नज़र आती हैं एयरपोर्ट को छोड़ के। दुबई की एयरपोर्ट के साथ उसका कोई लेवल नहीं था, लेकिन नेचुरल ब्यूटी, यहाँ के जो घर हैं बहुत ज़बरदस्त। स्ट्रीट चेक करते हैं, आज छुट्टी है और लोग मोस्टली अभी तक सोए हुए हैं। मॉर्निंग वॉक, और ये आपका भाई जमुर्द अली। अच्छा यार, इतनी पुरसकून जगह पे चलते ना, पता नहीं क्यों ज्ञान छाड़ने का दिल कर रहा है। कभी ना कभी तो कोई सुनेगा। ये घर आप देख सकते हैं, माशाल्लाह कितने प्यारे हैं, और ये पुराने दिखते हैं, ये खाली पुराने दिखते नहीं हैं, ये पुराने हैं। लेकिन बाहर अगर जब आप रोड देखते हैं तो बिल्कुल साफ सुथरी, नो डाउट पैचेस लगे हुए हैं, देखें और कलर है, और कलर है, 150 किस्म के पैचेस लगे हुए हैं, लेकिन साफ सुथरी है। मेन डिफरेंस ये है कि हम लोग, हमारे पाकिस्तान में घर देखें बड़े बड़े महल होते हैं, खुले खुले कमरे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर पांव रखते हैं हर चीज़ गंदी मैली बदबू। तो यहाँ पे घर लिटरली इतने छोटे हैं, लेकिन आप जैसे ही घर से बाहर पांव रखते हो तो आपका दिल करता है कि आप घर से बाहर निकलो भाई, आप जॉगिंग के लिए जाओ। अब ये बिल्डिंग का कलर थोड़ा डिफरेंट है, इधर नज़र आएगा आपको, यहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे ख़त्म। ये सारे घरों की विड्थ इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि लेवल है भाई। ये हमारा पौंड आ गया सामने, ये पौंड है, वहाँ पे हम जाके कोई ड्रोन की गेम्स करेंगे। अच्छा, ड्रोन के लिए फ्लायर आईडी था, उससे कोई 40 क्वेश्चन थे जो सुबह सुबह बैठ के मैंने किए हैं, वरना मैं यहाँ पे जल्दी आता। वो फ्लायर आईडी ज़रूरी है, उसके बाद ऑपरेटर आईडी भी है। ऑपरेटर आईडी मैंने नहीं लिया अभी, वो 10 पाउंड का है आई गेस। पाउंड को मैं सही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, व्हाटएवर, तो वो भी लेंगे। अभी टाइम शॉर्ट था, मैंने कहा कि इससे पहले कि सूरज ज़्यादा तेज़ हो, इस सॉफ्ट लाइट में ना थोड़ी वीडियो बनाई जाए। ये देखे जी कम्युनिटी पार्क, और यहाँ की अच्छी चीज़, कल शाम को जब बैठ के फैमिली में गपशप लग रही थी, तो ये अपने कम्युनिटी मेंबर को इस तरह की चीज़ों में इस तरह इन्वॉल्व करते हैं कि वन ऑफ माई कज़न, वो इस चीज़ को डिज़ाइन करने में उसके भी आइडियाज़ हैं। मतलब उनका स्कूल इधर पास ही है, तो जब ये कम्युनिटी डिज़ाइन कर रही थी तो उनसे भी पूछा गया, हाँ भाई अपने आइडियाज़ शेयर करो। तो मतलब ये चीज़ कम्युनिटी, मतलब ये चीज़ें कम्युनिटी बनाती है,
कोई गवर्नमेंट की नहीं है, ये यहाँ की लोकल कम्युनिटी की ये चीज़ डिज़ाइन की हुई है। उन्होंने अपने बैठने के लिए एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे वो शाम को आके थोड़ा एंजॉय करते हैं, अपनी साइंस लगाएंगे यहाँ पे। हर ड्रोन उड़ाने का वक्त हुआ जाता है, फर्स्ट एवर ड्रोन फ्लाइट, लेट्स डू दिस, देखते हैं कैसी होगी। और मुझे फील हो रहा है कि इस लाइट में जितना ये क्लियर वेदर है मेरी वीडियो अखीर ही प्यारी आ रही है, चिकनी आ लेवल। मैंने वीडियो बना के अपनी पहले स्क्रीन चेक की है, कमाल की है। दुबई में बिल्डिंग और एवरीथिंग टॉप नॉच है, लेकिन जो वहाँ का डस्टी वेदर है ना, आई डोंट नो व्हाई, वो चस नहीं आती, चस सिर्फ माल के अंदर तक है, लेकिन जब आप निकलते हो ना बाहर, ये चीज़, इस चीज़ के सारे पैसे हैं भाई। यार एक और चीज़, ये कौवा देखो कितना बड़ा है, तो कैमरे में मैं भी ना फील होता हूँ, ये अच्छा खासा बतख जितना तो कौवा है भाई। यहाँ पे हम कैमरा सेट करेंगे, यहाँ पे नहीं यार, तजर्बा कोई खास कामयाब नहीं हुआ, घर जाके वीडियो ट्यूटोरियल देखने पड़ेंगे।